9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज सभी प्रांतों का दौरा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में कल स्वामी जी ओडिशा प्रांत के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने पहुंचे। ओडिशा प्रांत की बैठक का आयोजन डीएवी स्कूल में आयोजित किया गया, जहां पहुंचने पर स्वामी जी महाराज का स्कूल की बालिकाओं ने तिलक व माल्यार्पण किया एवं ओम की ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी को शॉल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद बच्चों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने कहा, महर्षि दयानंद के दो मानस पुत्र जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक भारत में एक अद्भुत क्रांति की, एक का नाम था स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे का नाम था महात्मा हंसराज। स्वामी श्रद्धानंद ने इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल के माध्यम से शुरू किया और आधुनिकता और प्राचीनता का संगम करके ये डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, ये दो कॉन्सेप्ट थे। हर वर्ग समुदाय में हमेशा दो विचारधाराएं खड़ी हो जाती हैं। जब क्रांति की भी बात हुई तो एक तरफ सशस्त्र क्रांति और दूसरी तरफ अहिंसात्मक क्रांति महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रही थी। वही हमारे वीर वीरांगनाएं अपने प्राणों की आहुति देकर के आजादी के संग्राम में कूद पड़े थे, जहां 7 लाख से ज्यादा वीरों ने चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस बलिदानी परंपरा में भागीदारी की, वही लाखों करोड़ों महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए। शिक्षा प्रणाली में भी स्वामी श्रद्धानंद जी की जो गुरुकुलीय प्रणाली थी उसकी भी बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला शुरू हुई। और इधर दयानंद एंग्लो वैदिक, ये जो कॉन्सेप्ट था महर्षि दयानंद की विचारधारा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा और दीक्षा उनके समन्वय का, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि भारत सरकार के बाद भारत में यदि किसी ने आदर्श भूमिका निभाई तो वो डीवी स्कूल और कॉलेज की श्रृंखला है। इसके लिए हम पूरी परंपरा को महात्मा हंसराज जी के तप को प्रणाम करते हैं। मुझे प्रसन्नता है। हाँ, डीवी की विदुषी बात ही दूरदर्शी और इस ज्ञान यज्ञ के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे प्रिंसिपल श्रद्धामयी विदुषी बहन डॉक्टर भाग्यवती नायक जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती ममता बनर्जी जी, बहन नीलिमा जी और यहाँ के सब जो डीएवी की जो नींव पड़ी उसका आधार यही था महर्षि दयानंद और वेदों के विचार, उसके अनुरूप एक अच्छे इंसान का निर्माण हो, क्योंकि युग के अनुसार साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के डिफरेंट जो भी सेक्टर्स हैं उसमें भी हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं दुनिया में किसी से। तो इस विचार को लेके ये जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति महर्षि दयानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर की शुरू हुई, उसमें आप एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आगे हम सबको मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। आने वाला जो भारत है, मैं सच कहता हूँ इस बात को कि वो महर्षि दयानंद और वेदों की विचारधारा से अनुप्राणित होकर के आगे बढ़ने वाला भारत होगा और उसमें डीवी की बहुत बड़ी भूमिका आगे भी होने वाली है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल को अपनी शुभकामनाएं देने के बाद स्वामी जी पहुंचे कार्यकर्ता बैठक में, जहां लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। तदुपरांत ओडिशा प्रांत के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ की ये पुण्य धरा और जहां प्रसृष्टि के आदिकाल से अब तक लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों ने तप किया, उनके तप के दिव्य तेज से
उनके पुण्यों से इस धरती को भगवान ने सबसे समृद्ध बनाया। देखो, एक होता है भगवान का प्रसाद, एक होता है भगवान का वरदान, भगवान की सौगात, भगवान का उपकार, अनुग्रह। जैसे हम सबको ये भगवान की सौगात मिला है, ये मनुष्य का जीवन, ये उसका वरदान है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है। अब इस मनुष्य के जीवन को पा करके, मनुष्य का जन्म पा करके, मन इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति स्त्री या पुरुष का जन्म पा करके भी इस शरीर में कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा, सब उल्टा उल्टा चीज डाले, उल्टा उल्टा सोचे, उल्टा उल्टा काम करे, अभद्र आचरण करे, अशिष्ट आचरण करे, दुराचार करे, व्यभिचार करे, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, दूसरों का हक मारे और अशांति में जिए, असंतोष में जिए, अपवित्रता में जिए, नास्तिकता में जिए, उसके जीवन में सुख, अमन, चैन, शांति ना हो, तो फिर ये भगवान का दोष नहीं। भगवान ने तो बिना किसी पक्षपात के सब मनुष्यों में बराबर शक्ति दी है, अपरिमित शक्ति, अपरिमित ज्ञान, असीम सामर्थ्य से युक्त करके हर एक मानव को महामानव बनने की शक्ति देकर के इस धरती पर परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को जैसे पैदा किया है, जैसे उसका ये वरदान है सबके लिए, ऐसे ही पूरी दुनिया में भारत सबसे श्रेष्ठ देश है, क्योंकि भगवान राम, कृष्ण, शिव आदि से लेकर के गौतम, कपकाद, जमिनि महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भृगु और आंगिरस आदि हम ऋषि मुनियों की एक लंबी श्रृंखला देखते हैं। जितने ऋषि ऋषिकाएं, जितनी वीर वीरांगनाएं इस भारत की भूमि में पैदा हुए, उतने वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं, उतने अवतारी पुरुष धरती के किसी भी भाग में पैदा नहीं हुए। इतना सौभाग्य है हमारा कि ऐसा प्यारा भारत वर्ष हमारा, तो इतना बड़ा भारत वर्ष, करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका अभी क्षेत्रफल है। अतीत में अफगानिस्तान से लेकर के और उधर वर्मा तक, और इधर से कैलाश मानसरोवर से लेकर के और श्रीलंका तक एक अखंड भारत था। वक्त के साथ पहले पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, ये तो हमारी आंखों के सामने ही। आप में से भी कुछ बुजुर्ग बैठे होंगे जिसने विभाजन की इस पीड़ा को देखा होगा। अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते करते 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत दी, अपना बलिदान दिया, क्योंकि वो कुर्बानी आजादी के लिए थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद विभाजन में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और भारत के 3 टुकड़े हो गए, जिसको आज हम भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, कैलाश वन सरोवर हमसे छीन लिया गया, और अब तो जो है वर्मा तो बहुत पहले ही अलग हो चुका था। अब कश्मीर छीनने की तैयारी है, और यदि नहीं जागे तो अगली बार तुम्हारी भी बारी है, तुम भी नहीं बचने वाले। ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया किस गति से आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर, उनका मनी पावर, पूरी दुनिया में सैन्य शक्ति, पूरी दुनिया की आर्थिक शक्ति और पूरी दुनिया की गति, उसको तो हम अवरुद्ध नहीं कर सकते। चीन अपनी गति से बढ़ रहा है, जापान अपनी गति से बढ़ रहा है, जर्मनी, फ्रांस अपनी गति से बढ़ रहा है, सारे देश अपनी अपनी गति से बढ़ रहे हैं। एक जापान छोटा सा देश अपने उड़ीसा से भी छोटा है, उड़ीसा में तो इतनी भू संपदाएं हैं, इतना धन दौलत, इतना वैभव है, और भगवान का प्रकृति का इतना अनुग्रह है, जितनी वर्षात यहां पर होती है, और भूमि के अंदर जल होता है, भूजल, अंडरग्राउंड वाटर उसको अंग्रेजी में कहते हैं।
अंडरग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल ना करें तो ओडिशा में इतना जल बरसता है, उस वर्षा जल का ही ठीक से उपयोग कर लें और यहाँ की भू संपदाओं को हम बचा लें तो अकेला ओडिशा अमेरिका से कई गुना ज्यादा ताकतवर राज्य। जापान एक छोटा सा देश जो हमारे साथ ही आजाद हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट के बाद तो जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। उस समय उसके सारे भवन ध्वस्त हो चुके थे, उसकी सारी सड़कें नष्ट हो चुकी थी, उनके लोगों में इतना भयंकर भय खौफ था। और जापान वालों की हिम्मत देखो, हम ओडिशा से भी कम आबादी वाला, यहां से कम क्षेत्रफल वाला, जिसके पास भू संपदाएं नहीं है, आज वो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, एक छोटा सा जापान। और किसी की हिम्मत नहीं कि जापान की तरफ कोई आंख उठा करके देख सके। भारत में तो जापान जैसे कम से कम 50 राष्ट्र बन सकते हैं, कितने? तो इन आजादी के 65 वर्षों में हम जापान से कम 50 गुना आगे होने चाहिए थे, लेकिन हम जापान जितना भी विकास न कर पाए। कारण क्या है? चीन जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर सिंगल पार्टी रूल है, एक तरह से पहले वो राजाओं का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा चीन, और अब कम्युनिस्टों का गुलाम है। वहां कोई आजादी नाम की चीज नहीं है। आजादी के लिए एक बार जवानों ने आवाज दी और एक ही ग्राउंड में करीब 10,000 लोग थे, वहां पर रोलर चला करके खून की पिचकारियां निकली, सबको खत्म कर दिया गया। अब जो भी आजादी के लिए आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाता है। पूज्य दलाई लामा को चीन को भी अपने कब्जे में कर लिया और वहां से बाहर भगा दिया, निर्वासित जीवन जी रहे हैं वो। तिब्बत उसको अपना गुलाम बना लिया। आज चीन हमसे सैन्य शक्ति में कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। निर्यात एक्सपोर्ट उसका हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। और यदि उसका आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए, जिस गति से वो आगे बढ़ रहा है, कैलाश मानसरोवर जहां बहुत थोड़े आदमी रहते हैं, तिब्बत का ये एरिया, वहां पर भी उसने 4 लाइन बिछा रखी, 4-4 लाइन के रोड बना रखे हैं। उसकी जो रेलें हैं वो 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। हमारी जो रेल की पटरी है वो अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई है, करीब 50,000 किलोमीटर की। उसकी और हमारी तुलना करके देखें तो एक दिन मैं ऐसे ही निकाल रहा था तो हमारे यहाँ पर करीब 52,000 रेल की पटरी अंग्रेज बिछा करके गए, हमने 10,000 की बढ़ोतरी करके उसको 62,000 कर दिया। और जब रेल की गाड़ी में चलते हैं ना तो खोटर 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 ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे झटका लगता है। प्लेन की तरह चलना चाहिए, प्लेन में तो बल्कि बादल आ जाते हैं तब ऐसे लगता है जैसे गड्ढे में चला गया हो प्लेन। स्मूथली चलना चाहिए, लेकिन वो जो अंग्रेजों का बिछावा 52,000 था वो 62,000 हमने किया। चीन में उस समय